आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई सजा रही हैं। जगदलपुर में पदस्थ जवान अपनी ड्यूटी के दौरान त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए जगदलपुर के डीएन इवेंट की महिलाओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर जवानों को तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई, साथ ही उनकी कलाई भी सजाई। सभी जवानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। आज शहर के थाना कोतवाली में डीएन इवेंट्स के द्वारा राखी विद खाकी प्रोग्राम के तहत राखी का पर्व मनाया गया। इसमें शहर की लोकल महिलाएं एवं लड़कियां शामिल होकर के कोतवाली थाना के स्टाफ एवं यहां के हमारे स्टाफ के साथ राखी का त्यौहार मनाया। बस्तर पुलिस की तरफ से आप सभी को, शहरवासियों को राखी पर्व की शुभकामनाएँ एवं आपसे अपील करते हैं कि सभी राखी सौहार्दपूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ। भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, तो आज हम शहर की महिलाएं हैं जो कोतवाली थाने में आई हैं और अपने जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए लगे रहते हैं, तो हमने आज सबने मिल के उनको रक्षा सूत्र बांधा है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी उल्लास का वातावरण है और हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो अपने घर में अपनी ड्यूटी के चलते जा नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं अपनी बहनों को मिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब उनकी बहनें बन के आई और हमने उनको राखी बांधी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगता है त्यौहार? वैसे तो भाई बहनों का प्रेम तो बचपन से लेकर वो अमिट है, अमर है, उसकी तो कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है तो उस दिन निश्चित तौर पर उस प्रेम जो होता है वो और प्रगाढ़ हो जाता है। हम बहनें बड़ी खुश होती हैं कि हमें नए नए कपड़े मिलेंगे, हमारे भाई जो है हमें नए नए उपहार देंगे। हालांकि भाई थोड़े से कंजूसी कर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे बहनें आई हैं और इनको देना ही पड़ेगा, तो हम लड़ झगड़ के अपनी बात मनवा ही लेती हैं। रक्षाबंधन और हम लोग, मैं और मेरे जवान अपने परिजनों से, अपने बहनों से तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन यहाँ पक्षी शहर की बहनों ने उनकी कमी को दूर कर दी और हम बहुत खुश हैं। और आज राखी विद खाकी का प्रोग्राम मनाया गया है, हम इसका, हमारा पूरा जवान हम इसे बहुत हर्षोल्लासित हैं और हम अपनी बहनों का विशेष ख्याल रखेंगे।